यस क्लास फोर स्टूडेंट्स बेटा, वी फिनिश्ड एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 एंड 2, है ना। वी फिनिश क्वेश्चन 1 एंड 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। सो नाउ टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इन क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 व्हाट वी हैव कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। हियर वी कंपेयर द नंबर्स एंड देन वी पुट द साइन ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू, है ना, एनी वन। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3A, फर्स्ट वन इज 7183। वी हैव टू कंपेयर दिस नंबर विथ 7456, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड देन वी राइट द नंबर्स इन दिस बॉक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, नंबर्स जो हमें गिवन है उनको इस तरह से रोज एंड कॉलम्स में नोट कर लेते हैं। अब आपको नंबर की कंपैरिजन स्टार्ट करनी है। कंपैरिजन किस साइड से स्टार्ट होती है बेटा, हमेशा लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू जो होती है, यानी हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि राइट हैंड साइड से स्टार्टिंग हुई है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू वहाँ पर हम कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर ये 7 एंड 7 बोथ क्या है बेटा, सेम है ना, सेम नंबर्स है। यहाँ हम कंपेयर नहीं कर पाए, तो हम इससे 7 के बाद जो नेक्स्ट है लाइन, उसमें देखा मैंने 1 एंड 4 डिजिट है। तो 1 एंड 4 में से मैंने क्या देखा, जो 1 है वो क्या है बेटा, स्मॉल, और जो 4 है वो क्या है, बिग है ना, यानी 4 बिगर नंबर है और 1 स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ पर इस मीन्स दैट 7183 इज स्मॉलर देन 7456। तो जो स्मॉलेस्ट है वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कुड़ैल का क्लोज माउथ आता है दिस साइड, लार्जेस्ट जो होता है उसमें हम ओपन माउथ करते हैं। तो अब आपको पता चलेगा कंपेरिजन कितना ईजी है। अब ये नहीं कि हम, ये तो 4 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, नहीं, हमें चाहे कितना डिजिट नंबर भी गिवन हो। जैसे डी में मैंने क्या देखा, 752,572, ठीक है। इस नंबर को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, यहाँ पे साइन पुट अप करना है बीच में, कहाँ पर 7,052,496। किससे कंपेयर करना है, 7,52,572 से। तो आप सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर नंबर्स को इस तरह से रोज एंड कॉलम्स बना लेंगे और उसमें नोट करेंगे कितने डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब आप लिख लेंगे 2, 7, 5, 2, 5, 7, ऐसे 6, 9, 4, 2, 5, 7। अब मैंने कंपेयर किया तो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू हमारे पास लैक की, मैंने लैक में कंपेयर किया तो मैंने क्या देखा, 7 एंड 7 बोथ डिजिट आर सेम। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी मैंने लिखा 5 एंड 5, अगेन 5 एंड 5 क्या है, सेम। उसके बाद उस 5 से नेक्स्ट 2 डिजिट, और यहाँ पे भी 2 है, यानी 2 एंड 2, अगेन वी हैव सेम डिजिट। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन एंड हियर वी हैव 5 एंड 4, इट मीन्स इन 5 एंड 4, 4 इज स्मॉलर एंड 5 इज बिगर। तो जो स्मॉलेस्ट है यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉल, ठीक है, और यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, बिग, लिख दिया। अब आपने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, अब जो 7,52,572 बिगर है, तो ये मैंने साइन पुटअप कर दिया। तो मैंने आपको क्या करवाया अभी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड डी करवाया, बहुत इजी है, वेरी इजी बेटा। अब आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने आपको ए एंड डी करवाया है वैसे ही आप क्या करेंगे, बी सी ई और एफ,
किस में करेंगे बेटा? होमवर्क में करेंगे, ठीक है? ये आपका क्या है? होमवर्क है। समझ में आ गया आपको? ए और डी मैंने आपको अभी क्लियर कराया है। वैसे भी हम क्लास थ्री में भी कंपैरिजन सीख चुके हैं, क्लास फोर में भी मैंने आपको बताया कंपैरिजन कैसे करना है। अब इसमें आपको ए और डी मैंने समझाया है, तो बी सी ई एफ आप क्या करेंगे? अपने आप करेंगे, जो बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में करेंगे, बुक में नहीं, नोटबुक में करना है, क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर थ्री हमने कंप्लीट कर दिया, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर। सो इन क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब चाहे हमें असेंडिंग ऑर्डर करना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो, कुछ भी करना हो, तो हमें जितने भी गिवन नंबर्स है, जैसे यहाँ तो सिर्फ हम टू नंबर्स को ही आपस में कंपेयर कर रहे थे, लेकिन हमें कितने डिजिट नंबर भी लिखने हो, हम जितने भी नंबर्स हमें गिवन है उन सबको इसी तरह से ब्लॉक्स बना के क्या कर देते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है? देखिए जैसे हमें क्वेश्चन नंबर फोर में ए में क्या गिवन है, सबसे पहले तो मैं नोट कर लेती हूँ, 45,382, ठीक है? देन 629,483। नेक्स्ट वन है 573,132, और उसके बाद 768,542। नोट कर लिए बेटा? अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स बनाएंगे, और सबसे ज़्यादा हमारे पास सिक्स डिजिट नंबर है, तो आपने सिक्स डिजिट नंबर इसमें नोट कर लेना है। यस, हाउ मेनी नंबर्स वी हैव? फोर। सो जस्ट नाउ राइट नंबर फ्रॉम विच साइड? राइट हैंड साइड। Now here we have no need to write place values. यहाँ पे आपको place values लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप direct सिर्फ numbers लिखिए और compare करेंगे हम, ठीक है? देखिए number आ गया हमारा complete, ठीक है? Now we have all numbers in rows and columns. Let's start comparison from which side? Left hand side. मैंने देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता इट मीन्स वहाँ पे क्या है? ज़ीरो। अब आप यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले ये देखिए हमें लिखना किस में है इसको, किस ऑर्डर में बेटा? वी हैव टू राइट दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। विच ऑर्डर? ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। सो हियर वी हैव 0, 6, 5 and 7। नाउ कंपैरिजन किया तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? यस दिस वन। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? आपने देखा है असेंडिंग में ए कैसे लिखते हैं हम, ऐसे, यानी स्मॉल टू बिग, याद रहेगा आपको स्मॉल टू बिग, ठीक है? सबसे पहले मैंने क्या देखा, जो सबसे फर्स्ट मुझे स्मॉल सबसे स्मॉलेस्ट लिखना है, सबसे स्मॉलेस्ट है दिस वन। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट नंबर पर ये नंबर आएगा, आप यहाँ पर नंबर वन डालिए और इस नंबर को नोट कर दीजिए आप। अच्छा, अब असेंडिंग का साइन क्या होता है? स्मॉल टू बिग, तो स्मॉल टू बिग ये सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद मैंने देखा कि ये लाइन तो मेरी हो गई कट, नेक्स्ट मेरे पास होते हैं 6, 5 and 7। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 6, 5, 7 में से सबसे स्मॉल कौन सा नंबर है बेटा? 5, यानी ये मेरा सेकेंड नंबर पर आएगा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 573,132, यानी मेरी ये वाली लाइन भी कट हो गई। अब अपने पास बचते हैं 6 and 7, तो 6 and 7 में कौन सा स्मॉल है? फिर से असेंडिंग ऑर्डर का साइन लगा दीजिए और नेक्स्ट नंबर नोट कर दीजिए 6, यानी आ गया थर्ड नंबर पे, ऐसे नोट कर दीजिए 6, 2, 9, 4, 8, 3, ठीक है? फिर से ग्रेटेस्ट नंबर का साइन लगाएंगे
लास्ट में मेरे पास ये बचा, ये फोर्थ नंबर पे आएगा 7,68,540। क्लियर? डिसेंडिंग ऑर्डर होता, डिसेंडिंग में हम सबसे लार्जेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बिग टू स्मॉल, तो जो सबसे लार्जेस्ट होगा उस पे आप वन लिखेंगे। क्लियर? बहुत इजी है। यस, सो वी फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए। ए मैंने फिनिश कराया, अब आप इसका बी होमवर्क में कर लीजिए। क्या करेंगे बेटा? बी क्या है आपका? होमवर्क है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसी का ऑपोजिट जब हम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर फोर का ए मैंने आपको समझा दिया, असेंडिंग समझ में आ गया, और अगर डिसेंडिंग करना है तो सबसे लार्जेस्ट नंबर को सबसे पहले नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर है उसका तो आपको क्या करना है? डी करना है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर फाइव है उसका आप उसका भी डी सॉल्व करेंगे, उसको किस में लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में, और क्वेश्चन नंबर फोर को डी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बहुत इजी है, सेम इसी मेथड से आप उसे नंबर्स में नोट करेंगे। ठीक है, सो हियर वी फिनिश्ड अवर 1.2 एक्सरसाइज 1.2 हम फिनिश कर चुके हैं। असेंडिंग आपको समझ में आ गया है, सेम ऐसे ही डिसेंडिंग का ब्लॉक बना के सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसको सबसे पहले नोट करेंगे, उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, इसी का ऑपोजिट करना है। क्लियर? और जो डिसेंडिंग भी आ गया आपको समझ, असेंडिंग में हम स्मॉल टू बिग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में जो कंपैरिजन की थी वो भी आपको समझ में आ गई। तो अब आप इस होमवर्क को अपनी नोटबुक में करेंगे, और जो सबसे पहले क्लास वर्क करेंगे उसके बाद होमवर्क करेंगे। क्लियर? सो टेक केयर, एट होम बेटा, बाय।